हेलो फ्रेंड्स, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर को देखने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि ये एकदम नए नए और एकदम फ्रेश जो है क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में आपने शायद ही कुछ सुना होगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें और आपसे निवेदन है कि यदि अभी अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। और अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपके पास डिसलाइक का भी ऑप्शन खुला हुआ है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। तो प्रश्न है एक नंबर में कि यूकैरियोट्स के डीएनए में एक ही नाइट्रोजन बेस, ठीक है, एक ही नाइट्रोजन बेस के बारंबार उपस्थिति को क्या कहते हैं। उत्तर है रीड डैट डीएनए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर दो है कि यूकैरियोट्स में इंटीग्रेटर जीन प्रोकैरियोट्स के किस जीन की तरह कार्य करता है। उत्तर है नियंत्रक जीन की तरह। नेक्स्ट प्रश्न नंबर तीन है प्रेरक रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं। उत्तर है कोरिप्रेसर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर चार है कि ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले तीन क्षारकों का क्रम जो संदेश वाहक आरएनए कोडोन से बंधता है क्या कहलाता है। उत्तर है एंटीकोडोन। नेक्स्ट प्रश्न नंबर पांच है कि प्रारंभन कोडन है क्या है। और उत्तर है एयूजी। प्रश्न नंबर छः है कि एक ट्रांसक्रिप्शन इकाई में क्रम से इंट्रॉन का निकलना तथा एक्सॉन का जुड़ना कहलाता है। और उत्तर है स्पाइलाइसिंग। नेक्स्ट प्रश्न नंबर सात है कि न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है। उत्तर है न्यूक्लियोटाइड का। तो न्यूक्लिक अम्ल जो है न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर आठ में कि प्रोटीन संश्लेषण में अमीनो अम्ल का अनुक्रम द्वारा निर्धारित होता है क्या। तो उत्तर है एमआरएनए। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर नौ है कि कॉपर मोचक अंतरा गर्भाशयी युक्तियों से निर्मुक्त होने वाले कॉपर आयन जो है क्या है। तो देखिए, ये जो आंसर है ये है ऑप्शन ए हो जाएगा, गर्भाशय के रोपण के प्रति अनुपयुक्त करते हैं ये। नेक्स्ट प्रश्न है एमनियोसेंटेसिस की तकनीक का अनुमोदित उपयोग क्या है। तो इसका उत्तर है जो टेक्नोलॉजी है एमनियोसेंटेसिस, तो जो उत्तर है ये दोस्तों अनुवांशिक असामान्यता की जांच करना। प्रश्न नंबर 11 है कि जीव निषेचन की तकनीक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका स्थानांतरण फेलोपियन नालिका में किया जाता है। और उत्तर है केवल युग्मनज का। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 है कि वर्तमान समय में भारत में गर्भनिरोध की सर्वाधिक मान्य विधि कौन सी है। और उत्तर है अंतःगर्भाशयी युक्तियां। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 है कि गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतः गर्भाशय युक्ति होने का मुख्य कारण है। और जो उत्तर है वो इनमें सभी हो जाएगा, यानी कि शुक्राणुओं के निषेचन क्षमता में कमी, गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं की भक्ष काणु क्रिया में वृद्धि और शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी।
नेक्स्ट है, एक एमआरएनए में अमीनो अम्ल के कोड के लिए कितने न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम हैं? और उत्तर है एक। नंबर 15 है कि डीएनए द्विगुणन में किस एंजाइम की मुख्य भूमिका रहती है? उत्तर है डीएनए पॉलीमरेज का। प्रश्न नंबर 16 है कि निम्नलिखित में कौन चेन समापन कोडन है? उत्तर है यूएए। प्रश्न नंबर 17 है, प्रोटीन संश्लेषण में दो अमीनो अम्ल के बीच किस प्रकार का बंध बनता है? और ये उत्तर है पेप्टाइड। नेक्स्ट प्रश्न है, बीडल एवं टॉटम का न्यूरोस्पोरा क्रेंसा पर किया गया महत्वपूर्ण प्रयोग सिद्ध करता है कि? ऑप्शन जो है वो है बी हो जाएगा, एक एंजाइम एक जीन उत्पन्न करता है, यह सिद्ध करता है। प्रश्न नंबर 19 है कि अनुलेखन के समय डीएनए का वह स्थल जिस पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है क्या कहलाता है? उत्तर है प्रमोटर। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर में कि N14 ये पावर में है और N15 में डीएनए की अर्ध संरक्षित प्रकृति की प्रयोगात्मक पुष्टि की गई है? उत्तर है मिसलसन एवं स्टॉल द्वारा। प्रश्न नंबर 21 है कि एक आनुवांशिक स्थल के उत्परिवर्तन के बाद निम्न में से किसके परिवर्तन के कारण एक जीव में परिवर्तन होता है? और उत्तर है आरएनए अनुलेखन पैटर्न के कारण। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 है कि निम्न में से कौन सी जन्म नियंत्रण युक्ति स्त्री द्वारा प्रयोग में नहीं की जाती? और उत्तर है निरोध। तो ये स्त्री द्वारा नहीं किया जाती, ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर जो है 23 है कि जन्म पूर्व भ्रूण को जांचने की विधि का नाम क्या है? यानी जन्म से पहले जो भ्रूण का पता लगाने के लिए जो टेस्ट होता है उसको क्या कहा जाता है? उत्तर है एमनियोसेंटेसिस। तो एमनियोसेंटेसिस जो है ये जन्म से पहले भ्रूण को जांचने की विधि का नाम है। एक्चुअली एक तरह का टेस्ट हो गया ये। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 है कि परख नली शिशु एक तकनीक है जिसमें क्या होता है? तो देखिए इसमें जो अंडाणु लेकर फिर इसे निषेचित कराकर रोपित करते हैं गर्भ में, ठीक है? तो ये हो गया परख नली शिशु जो एक तकनीक है, इसमें यही कार्य होता है। पहले अंडाणु लिया जाता है, फिर इसको निषेचित कर किया जाता है, फिर जो इसको रोपित किया जाता है, यानी कि जिस माँ में रखना है जन वहाँ इसे निषेचित करवाया जाता है ताकि बच्चा का विकास हो सके। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 है कि गर्भ निरोधक पुटिका में प्रोजेस्ट्रॉन डॉट 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 है, वाक्य को पूरा करना है एक तरह से। तो देखिए आंसर है अंडोत्सर्ग को रोकता है। तो गर्भ निरोधक पुटिका में प्रोजेस्ट्रॉन जो है अंडोत्सर्ग को रोकता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 26 है कि जन्म नियंत्रण की एक विधि कौन सी है? जन्म नियंत्रण की एक विधि कौन सी है? और उत्तर है IUDS। प्रश्न नंबर 27 है कि कौन सी तकनीक जो है पुरुषों से संबंधित है? तो उत्तर है वैसेक्टॉमी। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 28 है कि स्तनपान अनार्तव
अनार्तव जो है क्या है, देखिए ये है गर्भ निरोधन की अस्थाई विधि है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, 29 है, अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? उत्तर है बिजमैन ने। लेकिन सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन जो है स्ट्रासवर्गर, जो ऑप्शन बी में है, ने 1888 में किया था। देखिए अर्धसूत्री विभाजन में फार्मर तथा मूरे ने 1905 में कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन को मेसिस नाम दिया था। तो फार्मर मूरे एक जगह है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर जो है 30 है कि आधुनिक वर्गीकरण के पिता किसे कहा जाता है? ठीक है, और उत्तर है कार्ल लिनियस। तो कार्ल लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर अरस्तु है जिनको जीव विज्ञान का जनक या जंतु विज्ञान का जनक अंग्रेजी में कहा जाए तो फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। अब जबकि देखिए यहाँ पर जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क जो कि फ्रांस के हैं एवं ट्रेवीरेनस जो कि जर्मनी के हैं नामक वैज्ञानिकों ने 1801 में किया था। दोस्तों ये थे 30 प्रश्न, खासकर ये जो वीडियो था प्रजनन से रिलेटेड था। तो वीडियो कैसा लगा? थोड़ा सा प्रश्न नए नए हैं इसलिए थोड़ा सा समझने में देरी हो सकता है अगर आपने नहीं अभी तक पढ़ा है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी है तो लाइक का बटन दबा दीजिए और कम से कम 3 लोगों को जरूर शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने नोटिफिकेशन और सब्सक्राइब बटन नहीं सब्सक्राइब किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लें, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि नए नए प्रश्नों का जो ये सीरीज़ है आपके सामने हमेशा आता रहे। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।